नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, नींबू और कील की मदद से आप पा सकते हैं अपने खोए हुए प्यार को। अगर आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर किसी और के पास चली गई है, या आपका प्रेमी आपसे अब बात नहीं करता है, या पति पत्नी के बीच में भी अनबन चलती रहती है, कोई भी अपने प्यार को वापस पाने के लिए इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करते ही मात्र कुछ घंटे में आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना चला गया हो, चाहे आप लोगों के बीच में कितने महीनों से लड़ाई क्यों ना चल रही हो, लेकिन इस उपाय से वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो मनमुटाव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आपका प्यार आपकी बाहों में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, इसे कैसे करना है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको एक नींबू लेना होगा दोस्तों, और आपको दो कील लेनी है। इस तरह से बड़ी सी कील ले लीजिए और उसके बाद नींबू पर लिखना होगा आपको अपनी प्रेमिका या फिर जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसे भी आप अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं, उसका नाम आपको इस पर लिखना होगा। तो कोई भी एक पेन ले लीजिए, नीला, काला, लाल, कोई भी रंग का ले सकते हैं। बस ऐसा पेन लीजिए जो कि नींबू पर चलता हो। तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रानी, लड़की का नाम, और उसके बाद इसमें आपको लगाना है एक प्लस का साइन। प्लस का साइन आप नाम के ठीक नीचे लगा सकते हैं। तो नाम लिखा, उसके ठीक नीचे ऐसे प्लस लगा दिया, और उसके नीचे दोस्तों आपको लिख देना है अपना नाम। तो मैं यहाँ पर लड़के का नाम जो है वो लिख रही हूँ, सोहम। मैंने लड़के का नाम लिखा है सोहम और लड़की का नाम लिखा है रानी। इसके बाद आपको पेन को, अब पेन की जरूरत नहीं है, आपको पेन साइड में रख दीजिए, और उसके बाद नींबू में आपको कील जो है वो डालनी है। तो इस तरह से आपको कील डालनी है कि जो नाम आपने दोनों लिखे हुए हैं, जैसे ये दोनों नाम लिखे हुए हैं, तो नाम के इधर लेफ्ट साइड में आपको कील इस तरह से डालनी है। कील को जब आप डालेंगे तो पूरा आर पार आपको कर देना है। तो इस तरह से आप इसे डाल दीजिए, और दूसरी कील जो आपको डालनी है वो उसके ठीक नीचे डालनी है। यानी कि ये कील एकदम सीधी है और दूसरी कील इस तरह से आपको जो प्लस बनाया होगा उसमें, उसके नीचे आप इसको यूं डाल सकते हैं। तो ये आपने कील इस तरह से आपको डालनी है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, यानी कि ऐसे कांटे का साइन यहाँ पर बनना चाहिए, नींबू बीच में होना चाहिए। अब आप इसे कागज़ के ऊपर रख दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बेहद ही आसान है। मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है, नींबू पर फूकना है, और इसे ले जाकर आपको पानी में बहा देना है। ध्यान रखना, साफ पानी होना चाहिए, गंदे पानी में नहीं डालना है। नदी हो सकती है, समुद्र हो सकता है, दरिया हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर से जाकर डाल देना है और वापस अपने घर आ जाना है। आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी, आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये उपाय हम आपके लिए करें तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।